वाटर में मिलाऊंगी किसको, विक एसिड को, इथेनोइक एसिड को, ये विक एसिड है। तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे दे देगा ये एक्वस है यहाँ पे, ठीक है ना, ये दे देगा CH3COO-, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इथेनोएट कहते हैं, इसे हम कहते हैं इथेनोएट कहते हैं, और ये एनायन है। कोई भी एसिड बेस सॉल्ट जब डिसोसिएट होता है ना पानी के अंदर जाके आयनाइज करता है तो कैटायन और एनायन में कन्वर्ट होता है, तो ये एनायनिक पार्ट है, माइनस से ये एनायनिक पार्ट है। और ये क्या करेगा, एक एच प्लस रिलीज करेगा जो कि वाटर के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। यहां से एक एच निकलेगा जो लास्ट में एच है और HCO प्लस बनाएगा, दिस इज द कैटायन। आप इसके बदले एच प्लस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट हम यूजली HCO प्लस लिखते हैं, थोड़ा साइज का प्रॉब्लम आता है इसमें, एच प्लस बहुत छोटा साइज का होता है। दिस इज द कैटायन, दिस इज द एनायन, दिस इज द हाइड्रोनियम आयन, दिस इज द इथेनोइड आयन, दिस इज द इथेनोइड आयन आप इसे कह सकते हो, और एसिटेट आयन भी कहते हैं बच्चे इसको, इसे एसिटेट इथेनोइड भी कहते हैं और इसे एसिटेट आयन भी कहते हैं। तो ध्यान रहे कोई भी एसिड जब डिजोल्व करता है तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो एनायनिक पार्ट है एसिटेट आयन है और एक कैटायनिक पार्ट है हाइड्रोनियम आयन। इसे हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको क्या पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि एसिड जो है वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आज न्यूमेरिकल कराऊंगी, थोड़ा सा सॉल्व करा रही हूँ न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। जैन तुम्हारी मैथ्स क्लास कितने बजे है? 10:20 तक थी मैम। अच्छा 10:20 तक क्लास थी, अच्छा ठीक है, तुम इन्फॉर्म करना चाहिए ना जैने, मैं तुमको भी पूछ रही हूँ कितने बजे है, कितने बजे है। मैम फोन नहीं था मेरे पास। अच्छा ओके, तो हमें यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, आइदर हाइड्रोनियम आयन का कंसेंट्रेशन निकालो पूछा जाएगा, या फिर पूछा जाएगा हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन निकालो बोला जाएगा। तो आप चाहे कुछ भी बोले, हाइड्रोनियम कहें या फिर हाइड्रोजन कहें, आपको यही निकालना है, क्लियर ना। तो दिस इज माय हाइड्रोजन, मैं लिख देती हूँ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम भी बोल सकते हो इसको, क्लियर है। ओके नाउ अब हम चलते हैं, एसिटेट आयन आ गया, ये आ गया, अच्छा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने आपको सॉल्व भी बताया था कि किस तरीके से एक वीक एसिड आयनाइज करता है, तो पूरा आयनाइज नहीं करता है, बहुत थोड़ा सा आयनाइज करता है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं इनिशियली, अब आपको बताऊंगी कि इसमें से डिफरेंट डिफरेंट डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं और आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। इनिशियली ये सी मोल था, सी मोल पर लीटर था, ये वाला जो एसिडिक एसिड जो मैंने लिया है ये है सी मोल था पहले, ठीक है। तो ये पहले 0:0 होगा, जो एसिटेट आयन है 0 और 0 होगा, एट इक्विलिब्रियम ऐसे चलते चलते इक्विलिब्रियम पहुंच जाता है, और इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद ये इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन अल्फा है, तो ये कितना बनता है, सी अल्फा बनता है और ये सी अल्फा बनता है। ध्यान रहे इसकी स्टोकियोमेट्री 1 है, यहाँ पे स्टोकियोमेट्री 1 है, अगर यहाँ पे स्टोकियोमेट्री 2 होगा तो 2C अल्फा बनेगा, बट बिकॉज स्टोकियोमेट्री 1 है सी अल्फा बनेगा। तो सी अल्फा अगर बन रहा है तो सी अल्फा खत्म होगा, तो सी अल्फा अगर खत्म हो जाएगा तो बचा कितना, सी माइनस सी अल्फा, तो सी माइनस सी, हाँ सी माइनस सी अल्फा लिखा देती हूँ मैं आपको, और इसको हम लिखते हैं सी इंटू 1 माइनस अल्फा, दिस इज इक्वल टू, आप इसके बदले भी लिख सकते हो। अच्छा अब हम क्या करते थे, अब इसमें से हम क्या क्या सॉल्व करते थे, अच्छा इसमें आपको क्या क्या मिल चुका है, अब यहाँ पे हम के निकाल देते, बिकॉज ये एसिड है तो के कैसे निकलता था, इसका कंसेंट्रेशन इंटू इसका कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय इसका कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा सारा डाटा आप ये एक सॉल्व कर दोगे ना बाकी सारा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय CH3COOH का कंसेंट्रेशन, ठीक है ओके। एंड दिस इज इक्वल टू, ये कितना है, अच्छा ये जो लेते हैं के वो इक्विलिब्रियम वाला लेते हैं, इसके सीधा जो है आपको वो सब लेना है। यहाँ पे क्या लिखूं मैं इसके बदले, यस यस, ये क्या है एसिटेट आयन का कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम में कितना दिख रहा है आपको, सी अल्फा दिख रहा है ना, इज इट, सो राइट इट हियर, सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस C into 1 माइनस अल्फा, पूरा वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दिया है, इसका इसके बदले मैंने ये ले लिया है इक्विलिब्रियम वाला जो वैल्यू है, ये आपको लेना है, ये लेना है और ये लेना है,
सो दिस इज द थिंग. और अब क्या होता है, मेरा सी और सी कट जाता है और यहाँ पे मिलता है सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा. अगेन वीक एसिड में हम क्या लेते हैं, मोस्टली आपके जो क्वेश्चन आएंगे सब में आपको अल्फा को इग्नोर करना है क्योंकि अल्फा बहुत छोटा होता है, बिकॉज अल्फा इज मच लेस देन 1. मैं इसको इग्नोर करती हूँ, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 लेती हूँ, तो मेरा जो के, इसको पूरा मैंने 1 ले लिया, के क्या हो जाएगा, सो के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर. एंड यहां से मुझे क्या मिलता है, ये फॉर्मूला आप यहां से डाल सकते हो, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर. ये फॉर्मूला आपको डालने हैं एसिड के लिए, ध्यान रखना है आपको. ये इक्वेशन 1 मुझे यहाँ पे मिल गया. कुछ कुछ फॉर्मूला जो मैं बॉक्स में बना रही हूँ उसका यूज करना है आपको न्यूमेरिकल में. के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर को यूज करना है. दूसरा आपको क्या यूज करना, मैं यहाँ से लेके चलती हूँ. अगर के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर है, इसको मैं बाद में कराऊंगी, एक के बाद एक करते हैं, दोनों करना यहाँ पे पॉसिबल भी नहीं. हम एक एसिड का करेंगे, फिर आपको मैं बेस का बताऊंगी, क्लियर है. अच्छा, के का सी अल्फा स्क्वायर अगर आएगा तो मुझे बताओ सी कंसंट्रेशन है और अल्फा जो है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. इसमें से कुछ कुछ डाटा आपको 100% न्यूमेरिकल में मिलेगा, इन सब में से एक डाटा अननोन रहेगा, बाकी सारा आपको मिलेगा. हो सकता है के ए मिला हो, सी मिला हो, अल्फा निकालना हो सकता है अल्फा है और सी है, के ए आपको फाइंड आउट करना है. हो सकता है आपको अल्फा भी मिला है, के ए भी मिला है और कंसंट्रेशन भी कई बार फाउंड फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अगेन के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा क्या बनेगा, रूट ओवर ऑफ के ए बाई सी. इसको आपको यूज करना है, ये है सेकंड, ये भी न्यूमेरिकल में आप यूज करोगे. थर्ड हम क्या यूज करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन निकालो, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम. एसिडेट आयन का मतलब यहाँ पे जो एनायन है वो एसिडेट आयन है. आप दूसरा आपको कुछ एसिड मिलेगा तो उसका एनायन आपको निकालना पड़ेगा, एनायन का कंसेंट्रेशन निकालना पड़ेगा. जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा यही वाला एसिड मिले, आपको दूसरा दूसरा एसिड देंगे, उसको डिसोसिएट करके उसका एनायन वाला पार्ट जो है उसको आपको निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, एट इक्विलिब्रियम एसिडेट आयन कंसेंट्रेशन पूछ सकते हैं या फिर एनायनिक पार्ट का कंसेंट्रेशन बताओ. तो यहाँ पे हम चलते हैं, मेरा एनायनिक पार्ट यहाँ पे ये है और ये मेरा है इक्विलिब्रियम पे सी अल्फा, तो आपको सी अल्फा निकालना है. ठीक है, सी आपको गिवन रहता है, यूजुअली सी गिवन रहता है, अल्फा आप यहां से निकाल देना, पुट कर देना, यू गेट द आंसर. अच्छा, यहाँ पे आपको और क्या पूछ सकते हैं, आपको ये पूछ सकते हैं यहाँ पे कि एक तो मैंने एसिडेट का बता दिया, बोलेंगे हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन निकालो इक्विलिब्रियम में. तो हाइड्रोजन आयन का आपको बताया है हाइड्रोनियम कहे चाहे हाइड्रोजन आयन, आप क्या लिखोगे, H3O plus concentration आपको बोल सकते हैं और H plus concentration बोल सकते हैं. Sorry, क्या आ जाएगा आपको यहाँ पे C alpha आ जाएगा. Clear है, ये भी C alpha है. ध्यान रहे, monobasic acid के लिए हमेशा anion भी anionic part भी C alpha होता है और cationic का equilibrium concentration भी C alpha ही होता है. अच्छा, तो ये आपको इतने सारी चीजें पूछ सकते हैं. और क्या पूछ सकते हैं आपको, बोले कि पीएच का सॉल्यूशन निकालो, आपने डिसोसिएट कर दिया सब कुछ निकाल दिया, पीएच निकालो. तो पीएच आप कैसे निकालते हो, कहां से निकालोगे पीएच, पीएच के लिए मुझे क्या चाहिए, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन चाहिए. आपको पता है, अच्छा एच प्लस का कंसंट्रेशन क्या है, आपने कैसे निकाला है, यहां से आया सी अल्फा आ गया. क्लियर है, तो मुझे क्या लिखना है, ऐसे सॉल्यूशन पर पीएच के लिए माइनस लॉग ऑफ सी अल्फा सीधा निकाल देंगे. ठीक है, अगर आपके पास अल्फा नहीं है तो अल्फा के बदले आप चाहो तो ये फॉर्मूला यूज करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो. क्लियर है, तो ये एक फॉर्मूला है पीएच के लिए भी आपको दे सकते हैं आप सीधा, ये आपको एच प्लस कंसेंट्रेशन देके माइनस लॉग करके ये न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देना है. यहाँ पे आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, बोलेंगे इस द सॉल्यूशन आपको ऐसे इसको मिला ही हुआ है, आपको बोलेंगे पीओएच भी निकालो, क्या करोगे आप ऐसे सॉल्यूशन में, अगर आपको ऐसे कंडीशन में बोलेंगे पीओएच निकालो क्या करोगे, एसिडिक है सब कुछ आपने निकाल दिया, आपने के निकाल दिया, आपने अल्फा निकाल दिया, आपने एसिडेट कंसेंट्रेशन निकाल दिया, एनायनिक कंसेंट्रेशन, आपने कैटायनिक कंसेंट्रेशन निकाल दिया, पीएच भी निकाल दिया, अब पीओएच के लिए कौन सा डालोगे, 14 माइनस पीएच
सिंपल है इजंट इट। पीएच आपने ऑलरेडी निकाला होगा, उसको वैल्यू डालो और पीओएच निकाल दो। एनी डाउट मैम? डाउट है। हाँ कौन है ये? जेनिक? यस मैम। हाँ हाँ बोलो डाउट पूछो। मैम जैसे कि न्यूमेरिकल करेंगे तो हमेशा पहले जनरल इक्वेशन लिखना जरूरी है और ये इनिशियल इक्विलिब्रियम ये सब लिखना जरूरी है मैम, या फिर सीधे याद कर लेते हैं? मैं आपको बोलती हूँ हाँ लिखना जरूरी, इसलिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ जरूरी है, बट लिखोगे तो बहुत अच्छा लिखना चाहिए हर एक बच्चे को, आपकी गलती नहीं होगी बिल्कुल भी, अदरवाइज मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ज्यादा। मैं जो तुम्हारी बात बोल रही हूँ मैं समझ रही हूँ, तुम जो बोल रहे हो तो इजी स्टेप है, डिसोसिएट करने में हो सकता है गलती हो जाए, डिसोसिएट करने में आपको पता ना चले कि इसको प्लस बनाना है किसको माइनस बनाना है, तो आप इसी तरीके बोल रहे हो, आप बोल रहे हो सीधा फॉर्मूला डालो सीधा सॉल्व करो, यू कैन डू इट, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी सॉल्व कर सकते हो। आपको अगर एसिड मिला है मोनोबेसिक आप चेक कर लेना अगर मोनोबेसिक है या डाइबेसिक है, तो डाइबेसिक है तो फिर फॉर्मूला नहीं लगेगा दूसरा फॉर्मूला लगेगा उसमें, तो अगर मोनोबेसिक है तो ये फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। बट हर एक बार क्या अच्छा लगता है ना कि बच्चे को कोई रिएक्शन जब मिलता है ना कुछ भी मिलता है डायरेक्टली बच्चा क्वेश्चन मिलते ही ए डाल देगा सी अल्फा स्क्वायर डाल के, करते हैं बहुत बच्चे से करते हैं। इसके लिए दो ऑप्शन ये है, अगर आपको बेहतरीन तरीके से रिएक्शन का कंपटीशन आता है तो आप करके करो, अगर आपको डाउट है मार्क देके करना है, आपको वन मार्कर क्वेश्चन देंगे सीधा वैल्यू डालो सीधा निकालो। ये मैं आपको जो बोल रही हूँ ना दिस इज फॉर 2.5 एंड 3 मार्कर क्वेश्चन, आपको मिलता है ऐसे क्वेश्चन 2 मार्कर 2.5 3 मार्कर्स में ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा तो थोड़ा आपको इलैबोरेट करना है, आपको बोलेंगे कोई भी एक एसिड दे देंगे व्हाट इज द आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर दिस एसिड, बोलेंगे 1 मार्क रहेगा सीधा वैल्यू डालोगे। बट होता क्या है अगर तब आप रिएक्शन लिखोगे अगर आप कंफर्म हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप रिएक्शन भी लिख सकते हो, इसमें जाके फिर सॉल्व भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो कुछ कुछ रिएक्शंस हैं ये आपको थोड़ा सा कई बार ऐसे होते हैं जो कि आपको दिक्कत कर सकती है कि कैसे ब्रेक करेंगे मॉलिक्यूल को, ठीक है? तो ये इसी तरीका है, सीधा फॉर्मूला डाल के आप कर सकते हो। बट जब आप घर में भी प्रैक्टिस करते हो ना, घर में प्रैक्टिस कर रहे हो आपके पास टाइम पड़ा है ना, तो ट्राई करो थोड़ा प्रॉपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो हमें काफी कुछ इसमें ये डाटा मिल चुका है, तो आप मैं एक काम करती हूँ, ये मैंने आपको आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ मोनोबेसिक एसिड पढ़ा दिया है, ये पूरा नोट डाउन कर लो आप, मुझे क्या क्या अगर मोनोबेसिक एसिड मिला है तो यहाँ कैसे मैं Ka निकालूंगी, कैसे अल्फा निकालूंगी, कैसे कंसेंट्रेशन वगैरह निकालूंगी, कैसे पीएच निकालूंगी, कैसे पीओएच, पीओएच पूछा नहीं जाता है बेसिकली, पर फिर मैंने बता दिया है आपको, बोलेगा हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन निकालो बोलेंगे यहाँ पे, व्हाट इज द, ऐसे पूछा जाता है ट्रिकी क्वेश्चन होता है, आपको दे देंगे एसिड और बोलेंगे हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन निकालो बोला जाएगा, क्या करोगे आप? हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन का मतलब कहाँ से आएगा? पीओएच से आएगा ना, इसका एंटीलॉक करोगे तो आपका हाइड्रोक्सिल आयन का कंसेंट्रेशन आ जाएगा। कल मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोक्सिल आयन का कंसेंट्रेशन फिर कैसे निकालोगे यहाँ से, ठीक है? तो सारे रिलेटेड है, आपको बस समझ लेना है कि कैसे सॉल्व करना है। अब आप ये नोट डाउन अगर कर चुके हो, मैं आपको सिंपल एक बेस में लेके सॉल्व कराऊंगी, इसे जल्दी से कर लो मैम। हाँ अच्छा, आपको कहाँ कहाँ पे देखूं? आपको ना यहाँ पे ढूंढ ली, ये आपको एक दे सकते हैं, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, ये पूछ सकते हैं, यूजुअली पूछा जाता है ये वाला स्टेप, ये इक्वेशन 4 है, अगर आपको बोलेंगे हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है, हाइड्रोनियम का कंसेंट्रेशन बोलेंगे तो सीधा आपको एसिड के नीचे जाना है, यहाँ पे H+ के नीचे सी अल्फा, ये इक्वेशन 4 है, और आपको पीएच अगर बोलेंगे तो ये इक्वेशन 5 है, ठीक है? मोस्टली ये दिया जाता है आपको, और अगर पीओएच पूछ सकते हैं बाई चांस, मान लो पूछ लेंगे ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ये इक्वेशन 6 भी हो सकता है, और यहाँ से फिर आप हाइड्रोक्सिल का कंसेंट्रेशन भी निकाल सकते हो अगर आपको पूछा जाए तो, दिस इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ माइनस पीओएच, आपको मैंने बताया था कि कैसे निकाला जाता है एंटीलॉग ऑफ माइनस पीओएच, आप पहले पीओएच निकाल देना 14 माइनस करके, फिर आप ओएच वाले का कंसेंट्रेशन इस तरीके से आप निकाल सकते हो, तो ये वेराइटीज हो सकते हैं, इतने सारे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं मोनोबेसिक एसिड के अंदर। नोट डाउन,
आप थोड़ा सा आज रेडी हो ना पढ़ने के लिए बच्चे? मतलब थोड़ा टाइम मैं ले सकती हूँ आज, पढ़ा सकती हूँ ना? यस यस मैम। मैम। है ना, आप सारे ब्रेकफास्ट वगैरह करके आए हो प्रॉपर, या किसी नो ने करा मैम। भी नहीं है तो आज यस मैम कर लिया। आराम से तो खाना खा खा के पढ़ोगे? नहीं, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। अच्छा, मेरा और एक भी प्लान था, ये तो मैं पढ़ा रही हूँ, अभी क्वेश्चंस कराऊंगी मैं आपका। स्टेट सब मैटर का कुछ क्वेश्चंस बचते थे डाउट, इस बार जो टेस्ट हुआ था देखा होगा आपने, कुछ थे ना स्टेट सब मैटर के 4-5 डाउट लास्ट के रह गए थे, हमने पहले कुछ कुछ करा था और लास्ट के रह गए थे डाउट, एंट्रेंस वाले बच्चों के लिए बोल रही हूँ मैं। इज इट बचा था 4-5, उसका प्लान मैं कर रही हूँ, वो मैं डाउट क्लियर करा दूंगी सो देट आप थोड़ा सा और क्लियर हो जाओगे। ठीक है, तो मैं एनी टाइम आपको, आज आप लोग थोड़ा इवनिंग तो आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी मैं, बिकॉज आज सेलिब्रेशन आप करोगे डेफिनेटली, मुझे पता है आज न्यू ईयर डे है। ठीक है, बट मैं टाइम निकालूंगी आपके लिए अभी, जैसे इसके बाद आपकी एंट्रेंस, अभी सॉरी 12th क्लास की एंट्रेंस की क्लास है अभी, इसके इमीडिएट बाद अगली क्लास के बाद। मैम हाँ हाँ बोलो। मैम कल ले लेना। हाँ मुझे पता है आज नहीं लूंगी मैं स्टेट सब मैटर का, मैं सोच रही हूँ। अच्छा कल भी आप लोग की मॉर्निंग में पॉसिबिलिटी है क्लास की, ले सकती हूँ मैं? यस मैम। कल शाम को मैम लेना। मैम मेरी तो अब 1 to 10 छुट्टियां हैं। हाँ मैं वही तो पूछ रही हूँ, अगर सारे बच्चों की छुट्टियां हैं तो हम मॉर्निंग कंटिन्यू कर सकते हैं ना? यस मैम। मैम कल तो शाम को ही लेना। मैम कल शाम को लूँ? अब नहीं मैम, सुबह लेना कल कल, मैम शाम को मैम नहीं। लेट हो जाएगा सुबह, मैम उठा नहीं जाएगा जल्दी। अरे आज एंजॉय करना है, रात को 4 बजे तक डांस करेगी प्राची? अच्छा चलो मैं देखती हूँ, सोचती हूँ। अरे आप लोग साइंस के बच्चे हो। ठीक है, अच्छा ये आपने रब, मैं रब करना है इसको, कर दूँ? डन है, या किसी को कुछ लिखना है इसमें, कोई डाउट है जल्दी फटाफट? डन है मैम। डन है। अच्छा मैम एक बार मैम मेरे को ये बता दो मैम, लिमिटिंग रेजिन मैम भूल गया मैम कैसे निकालते थे मैम, मेरे को वो बता दो लिमिटिंग एज बताएंगे। मैम। वो इसमें एक pHO का मिक्सचर में क्वेश्चन होते हैं ना मैम कि 0.2 मोल इसमें प्रेजेंट है 1000 ml में, तो फिर लिमिटिंग रिएजेंट निकाल के आगे सॉल्व करते हैं मैम, वो नहीं आता बस मेरे को। करेंगे करेंगे सारा करेंगे धीरे धीरे करके, इसमें तो है थोड़ा सा अच्छे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें है, तो आज मैंने इसलिए होमवर्क नहीं दिया ना, आज के बाद थोड़ा आप कर पाओगे। तो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ आयनाइजेशन ऑफ मोनो एसिडिक बेस। तो कल मैंने आपको काफी सारे मोनो एसिडिक बेस, मोनो बेसिक एसिड के एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है ना? तो मोनो एसिडिक बेस में हम चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या होता है। एक मोनो यूजुअली मैं इक्विलिब्रियम दे रही हूँ, इसका मतलब है अब इससे पहले हम एक बार चेक करना, इससे पहले जो अभी आपको करवाया था उन्होंने इक्विलिब्रियम का साइन दिया था कि नहीं, एक बार चेक करो, या वन साइडेड एरो दिया था? जल्दी क्विक, अब इससे पहले इथेनोइक एसिड को मैंने डिसोसिएट करा था, उसमें इक्विलिब्रियम का साइन था कि नहीं? होता है मैम था। नहीं, मैंने गलती से वन साइडेड एरो तो नहीं दे दिया, इसलिए पूछ रही हूँ मैं। हाँ, दिया था आपने इक्विलिब्रियम क्या दिया था? का साइन। दिया था ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक, ओके ठीक है। तो एक वीक बेस ले लेते हैं, तो वीक बेस में NH4OH लेते हैं। चलो अच्छा, NH4OH जब डिसोसिएट होता है, ये भी वीक बेस है, तो ये भी, हाँ दिया था अभी याद आ गया मुझे, ये भी वाटर के साथ डिसोसिएट करता है, ये एक्वस है और ये वीक बेस है, और ये एक ही OH माइनस रिलीज करता है, एक ही OH माइनस, दैट्स व्हाई दिस इज अ मोनो एसिडिक बेस। तो ये देता है मुझे NH4+ + OH-। अच्छा ये क्या है, ये कैटायनिक पार्ट है, ये है हर एक का कैटायनिक, एनायनिक होंगे डेफिनेटली, डिसोसिएट करेगा, ये है कैटायनिक, इसको क्या कहते हैं, एमोनियम आयन। आपको पूछ सकते हैं एमोनियम आयन का कंसेंट्रेशन निकालो, बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन,
So this is my ammonium ion, this is a cation, and this is my hydroxyl ion. This is my hydroxyl ion. ठीक है, अच्छा अब यदि सोचिए तो अलग हो गया है, तो मैं लेती हूँ इनिशियली, उसी में चलते हैं, ये C है तो ये जीरो होगा और ये जीरो डेफिनेटली, ये C मोल मैंने स्टार्ट करा है इनिशियली, और एट इक्विलिब्रियम अगर मैं लेती हूँ तो ये हो जाएगा C अल्फा और ये हो जाएगा C अल्फा और ये हो जाएगा C माइनस C अल्फा C इंटू वन माइनस अल्फा. देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको मिल सकती हैं. सिमिलरली जब मैं इसके लिए Kb निकालूंगी, Kn निकालना है, Kb निकालना है, दिस इज अ बेस. Kb जब निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, NH4 कंसंट्रेशन और OH माइनस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय NH4OH का कंसंट्रेशन लिया जाएगा और ये सारे इक्विलिब्रियम का लिया जाएगा, इक्विलिब्रियम वाले वैल्यू जो है. अब जब इसे इंपोर्ट करते हैं तो ये मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे NH4 प्लस के लिए C अल्फा इंटू एन OH माइनस के लिए भी C अल्फा, ध्यान रहे ये मुझे लेना है यहाँ पे, और C अल्फा डिवाइडेड बाय NH4 प्लस के लिए मुझे लेना है C इंटू वन माइनस अल्फा, सी सी कट जाता है यहाँ पे, अगेन आई गेट सी अल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस अल्फा, अगेन द सेम स्टेप विल बी कैरिड आउट, और यहाँ पे बिकॉज अल्फा इज मच लेस देन वन, मैं वन माइनस अल्फा को अगेन इक्वलाइज कर दूंगी वन के साथ, तो ये वाला पूरा यहाँ से हट ही जाएगा क्योंकि वन हो जाएगा ना ये पूरा, एंड आई गेट द आंसर के बी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, सो मेक इट अ बॉक्स, ये पहला इक्वेशन आपको दे सकते हैं. मैम अगर किसी दिन अल्फा कंपेटिबल हुआ वन से तो मैम ये कैसे करेंगे, मोनो एसिडिक बेस और मोनो बेसिक सॉल्व करोगे, पूरा वन माइनस अल्फा डालोगे पूरा, उसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा. मैम अगर इस बार हमारे में सिलेबस में नहीं है ना वो, मतलब हम नहीं करते ना. नहीं है अल्फा, मैं आपको बताती हूँ अल्फा का वैल्यू अगर लेस देन 0.05 होगा तब आप नेगलेक्ट कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो, वन माइनस अल्फा को वन मान सकते हो. कंडीशन क्या है, अल्फा का वैल्यू लेस देन 0.05, ये आप जान लो, ये ट्रिक है, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज करते हैं इसलिए बता देती हूँ मैं. अल्फा अगर 0.05 से कम वैल्यू लेता है देन देन 1 माइनस अल्फा इज अज्यूम टू बी 1, अदरवाइज नहीं. अगर 0.05 से अगर अल्फा का वैल्यू बड़ा आ गया आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, आपको पूरा लेके सॉल्व करना पड़ेगा. तो ये जो मैंने यहाँ पे नेगलेक्ट करा है ये इस वैल्यू के लिए करा है, आप हर एक क्वेश्चन में चेक करना आपका अल्फा का वैल्यू मच लेस देन 10 टू द पावर माइनस 4 माइनस 5 में आता है, माइनस 3 माइनस 2 ऐसे आता है ये. तो ऐसे केसेस में यूजुअली अभी के लिए आप नेगलेक्ट कर देना क्योंकि आपके सिलेबस में जो भी है ना नेगलेक्ट करा हुआ दिखाया गया, क्लियर है. अच्छा अब हम चलते हैं, दैट मींस 5%, दैट मींस 5% आयनाइजेशन से अगर कम हुआ आयनाइजेशन तो आप कर सकते हो नेगलेक्ट, और यूजुअली जो वही कैसे होते हैं ना 5% से कम आयनाइज होते हैं, ठीक है. तो बहुत वेरी वीक एसिड होते हैं ना, बहुत वीक एसिड के बारे को लेते हो आप, ठीक है. अब ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया. अच्छा यहां से मुझे क्या मिला है, अगर ये Kb इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर है सो अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ Kb बाय C, ठीक है. दिस इज माय इक्वेशन टू, आपको अल्फा पूछ सकते हैं यहाँ पे, ये आप सॉल्व कर सकते हो. तो आपको एक डाटा अननोन रहेगा, बाकी सारे गिवन रहेंगे. यहाँ पे आपको और क्या पूछ सकते हैं, और क्या पूछ सकते हैं आपको, इक्विलिब्रियम पे अमोनियम आयन कंसंट्रेशन निकालो या फिर कैटायनिक कंसंट्रेशन निकालो. तो एट इक्विलिब्रियम एसिड का कंसंट्रेशन नहीं, तो कैटायनिक का जो आपका है अमोनियम आयन का जो कंसंट्रेशन है. हम कभी कभार एसिड का भी तो पूछ लेते हैं, मतलब सिर्फ सी निकालना होता है कंसंट्रेशन. क्या क्या मैं समझ नहीं पाई. हम जैसे NH4OH का पूछ लेते हैं ना कभी कभार की कंसंट्रेशन क्या होगा. ये तो सी है ना, ये तो सी, अगर आपको सी अननोन है तो बाकी सारा गिवन होगा ना, के बी अल्फा गिवन होगा तब जाकर सी निकालोगे आप, ठीक है. तो यूजुअली आप देखना सी गिवन ही होता है मोस्टली क्वेश्चन में,
0.5 मोलर, 0.2 मोलर, 0.3 मोलर ये गिवन होता है हमेशा। तो ऐसे हो सकता है वन मार्कर में दे देंगे आपको के ए गिवन है, सी अल्फा गिवन है, सी निकालो, बोल सकते हैं ठीक है। अच्छा एट इक्विलिब्रियम NH4 प्लस आयन का मतलब अमोनियम आयन कंसेंट्रेशन कैसे निकालेंगे हम, सी अल्फा यहाँ पे ठीक है, थ्री है। और क्या पूछ सकते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन निकालो बोलेंगे आपको। हाइड्रोक्सिल आयन के लिए हम क्या लिखेंगे, OH माइनस कंसेंट्रेशन इज अगेन सी अल्फा। और क्या पूछ सकते हैं, POH निकालो बोलेंगे, कई बार POH नहीं पूछ के सीधा pH भी पूछते हैं। तो बेस के लिए मैं pH कैसे निकालूंगी फिर, ये तो बेस है, बेस से तो पहले POH निकलना चाहिए ना, तो सबसे पहले मैं POH निकालूंगी फिर मैं pH में चलूंगी, बिकॉज मेरे पास OH का कंसेंट्रेशन मिल चुका है सी अल्फा, तो सबसे पहले मैं POH निकालूंगी, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ सी अल्फा। ये है इक्वेशन 5। धीरे 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 वन बाय वन स्टेप में जाएगा ये पूरा। उसके बाद हम चलते हैं POH आपका आ चुका है माइनस लॉग ऑफ दिस। अब हम चलते हैं, आपको पूछेंगे व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। आपको पता है मोस्टली क्या पूछा जाएगा, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, भले ही बेसिक हो भले ही एसिडिक हो कुछ भी हो, आपको पीएच निकालना है। कैसे निकालना है मुझे बताना जरा, क्या करें अभी, माइनस कर देंगे मैम पीओ माइनस पीओ। क्लियर है, सो पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच, आपका पीएच आ जाएगा बस पीएच पर। आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, आपको मिला है हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन, बट आपको पूछेंगे हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन क्या करोगे, एंटीलॉग, इसका एंटीलॉग क्या करना है आपको, आपको पीएच मिल, पीएच आपको मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको बोलेंगे हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, क्या करते हो आप, एंटीलॉग ऑफ माइनस पीएच। ये सारे जब तक आपको एक दो क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी ना ये क्लियर नहीं हो पाएगा, बता तो दिया है फिर भी आप कर लोगे, ये सॉल्व करके आप एच प्लस तक भी पहुंच सकते हो ठीक है। आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, बेस देके एच प्लस पूछ सकते हैं, पीएच पूछ सकते हैं, एसिड देके पीओएच भी पूछ सकते हैं, तो प्रोसीड धीरे धीरे करना है। अगर मेरे पास एसिड है तो सबसे पहले एच प्लस का कंसेंट्रेशन निकालूंगी, फिर उसके बाद फिर पीओएच या ओएच का कंसेंट्रेशन निकालूंगी। सेकेंड अगर मेरे पास बेस पड़ा है तो सबसे पहले मुझे हाइड्रोक्सिल का कंसेंट्रेशन डायरेक्टली मिलेगा, उसके बाद फिर मैं पीओएच और फिर उसके बाद पीएच निकाल के सॉल्व करूंगी। क्लियर है, तो दीज आर द फॉर्मूले यू कैन यूज ड्यूरिंग न्यूमेरिकल्स, सो नोट इट डाउन, अब नोट डाउन कर लो प्लीज इसे, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ये वीक एसिड के लिए होता है, मान लो इसके बदले मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लूंगी, ये तो वीक बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस में फिर क्या हो जाएगा, देर इज नो अल्फा, अल्फा नहीं होता, अल्फा वन हो जाएगा पूरा, उस केस में अल्फा वन होता है पूरा। तो वैसे भी क्वेश्चंस हैं, ये तो वीक के लिए मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे अल्फा वगैरह का जनरेशन होता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट निकाला जाता है, तो काफी कुछ चीजें होती है। स्ट्रॉन्ग के लिए कोई झंझट नहीं है, स्ट्रॉन्ग के लिए के वगैरह केवी वगैरह कुछ नहीं निकलता है, स्ट्रॉन्ग के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, अल्फा भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, डायरेक्टली सॉल्व करोगे। तो अब हम एक काम करते हैं, आप ये नोट डाउन करो, और बिकॉज मैंने आपको ये एक एसिड और एक बेस का अभी दे दिया है, तो अगर आपको इमीडिएटली इन दोनों के ऊपर एसिड और बेस के ऊपर एक क्वेश्चन करा दूं तो अच्छा रहेगा, आप समझ जाओगे। एनसीईआरटी है आपके पास? यस मैम, ऑल ऑफ यू है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक फिर मेरा कल मैं आपको पढ़ाऊंगी अ कॉमन आयन इफेक्ट, आज न्यूमेरिकल करेंगे ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट तो थियोरेटिकल टॉपिक है। एक काम करते हैं, हाँ आप सब एनसीईआरटी ले लो और मैं अभी आपको दे रही हूँ। तो क्या सेलिब्रेशन करेगी प्राची, घर में आज क्या सेलिब्रेशन है, यश कहाँ पे है, घर में है या? यस यश मैम, आज तो भैया के घर जा रखे हैं। कौन, आप सब? नहीं मैम, यश भैया जा रखे हैं, अभी आएंगे थोड़ी देर में।
अच्छा यश अभी घर में नहीं है बोल रहे हो? अच्छा, अभी उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है यश? हम चल ही नहीं रही है। चली नहीं रही मतलब क्या कर रहा है अभी वो यश, क्या कर रहा है अभी? मैम भैया कॉमर्स साइड से कुछ कर रहे हैं। अच्छा उसका कॉमर्स में चला गया ना वो? हाँ बट बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था यश ना, अच्छा स्टूडेंट था वो। बट वही है ना तो थोड़ा सा, बट बहुत अच्छा बच्चा है। बाकी जो भी है यश बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत वेल मैनर्ड है, बहुत अच्छा बच्चा है वो। अच्छा अब हम चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन में चलते हैं। और ठीक है तो ये मैं आपको करा दूंगी तो आप समझते जाओगे पर आधा है। अच्छा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आपको देते हैं तो इसमें कॉमन एन का भी यूज होता है, तो बिकॉज अभी आपको मैंने कॉमन एन पढ़ाया नहीं है तो सिंपल क्वेश्चंस करवाती हूँ, बेटर रहेगा। कॉमन एन वाला क्वेश्चंस बाद में कराऊंगी, ठीक है? कई बार न्यूमेरिकल्स में कॉमन एन का यूज आता है और वो अच्छे क्वेश्चंस में माने जाते हैं। अब हम चलते हैं, मैं देखती हूँ कि कहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन आपको मिल चुका है, ठीक है? एक क्वेश्चन सॉल्व करो आप, दैट इज बेटर। 7.46 आपको बता देती हूँ सॉल्व करना है आपको, दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। मैम मैम एक बात बोलूं? हाँ बोलो बोलो। मैम मैं अभी रजौरी में हूँ ना मैम, तो फिर बुक नहीं है एनसीईआरटी। तुम अब तुम मुझे एक बात बताओ जैने, तुम्हारा घर कहाँ है जैने? सीकर सी जनकपुरी। तुम अभी रजौरी में क्या कर रहे हो? मैम मतलब आज इधर ही रहूंगा मैं। कहाँ पे? उनके कहीं पे नानी के घर है क्या वहाँ पे? नो मैम, वो सेलिब्रेशन के लिए आए थे। ये खूब सेलिब्रेट करता है, ओ माय गॉड। हाँ मतलब किसका घर है वो, मतलब आपके जान पहचान के होंगे ना घर? नो मैम घर नहीं मैम, बुक करवाया है, हॉल में क्लास ले रहा हूँ। तो पूरा फैमिली आए हो? नो मैम अभी तो तैयारियां ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर रात तक आ जाएंगे सब। अच्छा तो तुम लोग दोस्त वगैरह सारे हो वहाँ पे अभी? मैम मैं और मेरा बड़ा भाई, उसके 3-4 दोस्त हैं। अच्छा तो वहाँ पे सेलिब्रेशन का प्लान है रात को, यही ना? यस मैम। चल भाई जाने को कोई भेज दो, उसके पास है नहीं, उसके पास एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं है अभी। तो 7.46 7 point क्या क्या कराऊंगी देखो, बता देती हूँ। कल बाकी क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि आज आपको बिकॉज ये पढ़ाया है तो ये करा दूं तो बेटर है आपके लिए, फिर टर्न कर लूंगी दूसरे क्वेश्चन में तो नहीं कर पाओगे। तो टिक 7.46 हमें करना है, पहले टिक कर लो क्या क्या करना है हमें आज का दिन। आज के दिन मैं आपको 4-5 न्यूमेरिकल्स कराऊंगी अभी, उसके बाद छुट्टी करेंगे। 7.46 टिक कर दो जैसे, तुम वेट करो तुम्हें अभी क्वेश्चन पहुंच जाएगा। 7.46 हमें करना है, ठीक है? मैंने पढ़ टिक कर दो। अच्छा ठीक है ओके। 7.47 करना है, 7.47 करना है आपको, ठीक है? अच्छा जस्ट 7.50 पे टिक करो, 7.50 करना है। आप सब टिक कर रहे हो ना बच्चे? यस मैम। हाँ टिक करो। 7.46 बताया, 7.47 बताया और 7.50 बताया मैंने अभी, ठीक है? जस्ट अ मिनट। ठीक है जस्ट अ मिनट, मुश्किल है थोड़ा सा ना। ठीक है क्वेश्चन नंबर, चलो हम वहां पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7.59 नहीं, हाँ 7.5 में डालो अभी, डाल दिया 7.5 में टिक करा।
यस जितना होगा अभी कराओ, बाकी आप होमवर्क समझ लेना, बाकी होमवर्क समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 7.60 हो गया, कितने क्वेश्चन हुआ देखना मैम? चार चार हुआ, एक दो तीन एक मिनट एक मिनट, चार और पांच क्वेश्चन हो गया ना? पांच क्वेश्चन बताने दो। 7.46, 7.47 दे दिया आपको मैंने, 7.50 दे दिया, और आपको बता रही हूँ जस्ट अ मिनट, ठीक है। अच्छा तीन तो अभी हो गए, और बाकी 7.59 और 7.60 पांच हो गए। यस मैम, ठीक है ठीक है। बाकी तो कुछ कुछ क्वेश्चन है कॉमन एंड इफेक्ट के बाद ही कर सकते हो, नहीं तो आपको लर्न करना पड़ेगा क्वेश्चन, वो जो आंसर है, बट आप थोड़ा समझ जाओगे तो बेटर है। तो पांच क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन ट्राई कर लो, 7.46। अच्छा ये जो पांच क्वेश्चन है अगर है पॉसिबिलिटी किसी के पास तो जेने को भेज दो क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन 7.46, 47, 50, 59 और 60 कौन से नंबर पे अभी वो कर रहा है देख लो, उस नंबर पे भेज दो। अच्छा मैं आपको यहाँ पे और एक बात बताती हूँ, कई बार इसी में सॉल्व करा देती हूँ आपको, कई बार अगर आपको केबी मिल गया है पीकेबी कैसे निकालोगे? पीकेबी हाउ विल यू फाइंड आउट पीकेबी? अगर आपके पास केबी आ चुका है सी अल्फा स्क्वायर, आपने केबी निकाल दिया, पीकेबी कैसे निकालोगे? अरे आज क्या ऑफ नहीं हो रहा है देखना, आज अनलिमिटेड है क्या? माइनस लॉग ऑफ केबी, यस मैम आज पूरा टाइम चल रहा है मुझे लग रहा है ना, तो ये क्या हो गया मुझे बताना? आपको केबी मिला हुआ है तो पी केबी कैसे निकालोगे? माइनस लॉग ऑफ केबी करके आप निकाल देना, यू विल गेट माइनस लॉग ऑफ सी अल्फा स्क्वायर, माइनस लॉग ऑफ केबी के बदले आप लिख देना सी अल्फा स्क्वायर, यू विल गेट द आंसर, क्योंकि क्वेश्चन अभी जो आपको दिया है उसमें ये भी आ सकता है। अगर आपको पी केबी गिवन है क्वेश्चन में तो केबी कैसे निकालोगे? आपको पी के भी क्वेश्चन में गिवन है, के भी कैसे निकालोगे? अरे पी के भी गिवन है, के भी कैसे निकालते हैं? अगर पी वाला पी गिवन होता है तो दूसरा वाला पार्ट कैसे निकालते हैं? मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट। अरे पी के भी आपका मान लो आपको गिवन है, आपको बोलेंगे के भी निकालो, कैसे निकालते हो? क्या हुआ? एंटी लॉग ऑफ पीकेबी, बस पीकेबी गिवन है, केबी निकालना है, एंटी लॉग करो, केबी गिवन है, पीकेबी निकालना है, लॉग करो। आपको मैंने बताया तो पीकेबी अगर गिवन है तो केबी कैसे निकालोगे? एंटी लॉग ऑफ माइनस पीकेबी, एंटी लॉग ऑफ माइनस पीकेबी यहां पे मैंने करा दिया है। इसी का अगर उल्टा निकालना है तो एंटी लॉग ऑफ माइनस पीएच, एंटी लॉग ऑफ माइनस पीकेबी, एंटी लॉग ऑफ माइनस पीओएच, लाइक दैट मैम। हम्म, मैं नेट से फिर डाउनलोड कर लेता हूँ। नेट से डाउनलोड करोगे? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन है कि कोई भी एक पेज डाल दो ना। एम सबरी सेंड इट, और हिम सबरी प्रेजेंट नहीं है क्या? देखना कोई किसी भी बच्चे आप से, बस एक पेज लेना है आपको, क्योंकि हमारा जेने सर्टिफिकेट कराना वो सेलिब्रेशन सबका राइड है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कितने लकी हो कि आप घूम घूम के पढ़ाई कर रहे हो। अगर अभी इंस्टीट्यूट आना पड़ता तो क्या करते, सोचो। मैं आ ना पाता। तुम तो, हाँ मैं वही तो बोल रही हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस आप कहीं पे बैठ जाओ, समंदर के किनारे बैठ जाओ, फोन ले लो, पढ़ाई करो, है कि नहीं? अच्छा तो ये पेज उसे दे दो, जल्दी से फटाफट भेजो, और 7.46 आई थिंक कुछ कुछ बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया होगा, 7.46। अच्छा दूसरी और एक बात मैं आपको बोल रही हूँ,
ये अगर आपने लिख दिया है तो मैं इसे रब करूंगी और मैं सीधे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं कराऊंगी शायद आप नहीं कर पाओगे। हेम हेम प्रेजेंट है? हेम प्रेजेंट है? प्रेजेंट। तो हेम क्या माइक काम नहीं कर रही है? या सो सो के पढ़ाई कर रहा है? सो गया है क्या? जैसे प्राची सो जाती है पढ़ाई करते करते। चल तो ये फॉर्मूला रहने दो, वैसे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना स्टार्ट कर देती हूँ अभी। तो चलो ठीक है, 7.46। कौन एक रीड आउट करो, कोई एक बच्चा प्लीज क्वेश्चन को रीड आउट करो। कौन करेगा रीड आउट? पता चलेगा अभी कितने बच्चे। 7.46। हाँ 7.46। The ionization constant of acetic acid is 1.74 into 10 to the power minus 5. Calculate the degree of a dissociation of acetic acid in its 0.05 mole solution. Calculate the concentration of acetate ion in the solution and its pH. हो गया? ठीक है? Yes. अच्छा, तो आप सबने सुन लिया question 7.46? सुन लिया? अब आप बताओ solve कैसे करें? या आपने solve करा है क्या? कर दिया है क्या? किसी ने जैने को क्वेश्चन भेजा क्या? भेज दिया मैम मैंने। अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो 7.46। जैने तुम अर्पित को थैंक्स लिख दो पहले। जैने कहाँ गया? थैंक यू भाई। अरे आज तो बड़े प्यार से आपको थैंक्स बोलना चाहिए। आज सेलिब्रेशन का दिन है, जैने एंजॉय कर रहा है, बच्चे क्वेश्चन भेज रहे हैं। थैंक यू भाई। ठीक है ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7.46। ठीक है, किसी दिन अर्पित भी बाहर होगा तो जैने क्वेश्चन भेजेगा ना। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है, सबसे पहले देखो क्या बोला गया है। अगर आप इसे जैसे जनरली उन्होंने पूछा था कि मैम हमें लिखना पड़ेगा कि रिएक्शन, या ऑटोमेटिक हम सॉल्व कर सकते हैं, आप ऑटोमेटिक भी सॉल्व कर सकते हो, पर थोड़ा डाटा समझ जाना उसके लिए। द आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज एसिटिक एसिड। अच्छा, एसिटिक एसिड अभी मैंने आपको कराया था, एसिटिक एसिड CH3COOH। वैसे अगर आपको बोला जाए कोई भी ऑर्गेनिक एसिड, मोस्टली ऑर्गेनिक एसिड मोनोबेसिक होते हैं, मतलब वो एक ही H प्लस को रिलीज करते हैं, मोस्टली ऑर्गेनिक एसिड। आगे क्वेश्चन ऐसा भी है, मेरे ख्याल से सेकंड नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, इसमें कि ऑर्गेनिक एसिड दिया है, कोई नाम नहीं दिया है, खाली ऑर्गेनिक एसिड दे दिया है। तो ऑर्गेनिक एसिड का मतलब वो एक ही H प्लस को रिलीज करेगा, दैट इज अ मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, तो आपको उस तरीके से सॉल्व भी करना है। तो क्या पूछा गया आपको? एसिटिक एसिड बोला गया है, तो एसिटिक एसिड को हम सबसे पहले डिसोसिएट करके देख लेते हैं, और वाटर के साथ इसको डिसोसिएट करते हैं। ये एक्वस है तो मुझे CH3COO- और H+ दे देगा, सिंपल। अच्छा, यहाँ पे मुझे क्या पूछा गया है? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड मुझे मिला हुआ है, यहाँ पे मुझे मिला हुआ है आयनाइजेशन कांस्टेंट, मुझे मिला हुआ है एसिटिक एसिड का 1.74 × 10⁻¹⁵। ठीक है, ये मुझे मिला हुआ है एसिड का, और क्या क्या डाटा मिला हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे पहले तो, अगर आपको ऐसा एक एसिड मिले तो सबसे पहले आप एक काम करना, पहले आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इनिशियली क्या होता है? अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये मुझे मिला हुआ है, अब हम चलते हैं कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, और बोला गया है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन 0.05 मोलर सोल्यूशन। 0.05 मोलर दे दिया, इसका मतलब है मुझे कंसेंट्रेशन मिला हुआ है 0.05 मोलारिटी। सी मुझे मिला हुआ है 0.05 मोलारिटी, मुझे मिला हुआ है अल्फा, मुझे निकालना है। आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू आपको पता है √KB/C होता है, या फिर KA/C होता है।
बेस के लिए के बी बाई सी रूट ओवर ऑफ, या फिर अगर एसिड है तो रूट ओवर ऑफ के बाई सी. डायरेक्टली आप यूज करके सॉल्व कर सकते हो, पर थोड़ा प्रोसीजर रखते हैं यहाँ पे. इतना ही दिया है बस, ने और भी दिया है ना. इनिशियली लेके चलते हैं. इनिशियली मैं क्या लेती हूँ यहाँ पे, सी लेती हूँ, बट सी मुझे मिला हुआ है तो ये है 0.05. आप यहाँ पे अभी सी लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, सी ले लो यहाँ पे. ये 0.0 बनेगा, उसके बाद एट इक्विलिब्रियम ये क्या बनेगा, ये बनेगा सी अल्फा, ये बनेगा सी अल्फा, और ये बनेगा सी इंटू वन माइनस अल्फा. डाटा को रख देते हैं हम, इतना डाटा हम सफिशियंट है हमारे लिए. अब हम चलते हैं, ये पहले मुझे मांगा गया है अल्फा क्या है, फिर मुझे बोला गया है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन. क्या लेना है मुझे यहाँ पे, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन. ये सी अल्फा, सिंपली सी अल्फा. तो मुझे पूछा गया है एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन सी अल्फा मुझे निकालना है, ये कितना है पूछा गया है मुझे. ठीक है, तो अल्फा निकाल के मैं सी से मल्टीप्लाई करके कर सकती हूँ. अच्छा, दूसरा क्या पूछा गया है, एंड पीएच मांगा गया है मुझे यहाँ पे. अच्छा, मुझे अगर पीएच मांगा गया है तो डायरेक्टली पीएच कैसे निकालूंगी. पीएच के लिए मुझे एक्सप्रेस कंसंट्रेशन चाहिए, मैं यहाँ से पहले एक्सप्रेस कंसंट्रेशन कलेक्ट कर लूंगी, उसके बाद पीएच निकालूंगी. तो सबसे पहले मैं एक्सप्रेस का कंसंट्रेशन सी अल्फा निकाल दूंगी, और उसके बाद फिर मैं पीएच निकालूंगी माइनस लॉग ऑफ एक्सप्रेस का कंसंट्रेशन, सॉल्व करके इसका वैल्यू डाल के निकाल. क्लियर है? ओके, तो ये सब डाटा मुझे मांगा गया है. अब देखते हैं सॉल्व करते हैं कैसे होगा ये. अब हम चलते हैं, इसको मैं रब कर लेती हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना. आ गए मैम सारे आंसर. आ गए? यस. K मुझे मिला है, C मुझे मिला हुआ है. सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन मिलता है ना, आप छोड़ दो ये, भूल जाओ. सबसे पहले जब क्वेश्चन मिलता है तो क्या क्या गिवन है और क्या क्या निकालना है उसका एक डाटा बना देना पूरा. उसके बाद तो आधा क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा. उसके बाद फिर आप देख लेना कि कैसे कैसे फॉर्मूला यूज होगा. तो सबसे पहले मुझे अल्फा मांगा गया है, अल्फा के लिए मैं सीधा क्या डालूंगी, रूट ओवर ऑफ के ए बाई सी डालूंगी. बिकॉज ये एसिड है तो रूट ओवर के बाई सी सीधा डालूंगी. तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ के का वैल्यू क्या है मेरा, 1.74 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइड बाय, ये पूरा होल रूट है. सी कितना है मेरा, 0.05. सॉल्व करो, अल्फा मुझे बताओ कितना आ रहा है. बताऊं मैम कितना आया, अल्फा कितना आ गया, 1.8 इनटू 10 टू द पावर माइनस 2. 1.8 इनटू 10 टू द पावर माइनस 2 आ गया है. ठीक है, देख लो बाकी बच्चे मैच करा लो. आस्था प्रेजेंट है? आस्था प्रेजेंट है? Yes, ma'am. कितना आ गया, आंसर चेक करो. 1.8 इनटू 2 आ गया, ये वाला आंसर सही है ना. हाँ मैम आया है वो. अच्छा, नेक्स्ट बताऊ मैम. हाँ, उसके बाद आपको 7 क्वेश्चन क्या मिला है, अल्फा मेरा मिल गया है. उसके बाद पूछा गया है एसिटेट आयन कंसंट्रेशन पूछा गया है. तो एसिटेट आयन कंसंट्रेशन जब मैं निकालूंगी तो सी अल्फा, सी अल्फा दिस इज इक्वल टू, सी के बदले मैं लिखूंगी 0.05 इंटू अल्फा मेरा आ चुका है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. आंसर बताओ. मैं बताऊं मैम? बोलो. I'm 9.3 into 10 to the power minus 4 moles. Oh, 9.3 moles. Into 10 to the power minus 4 moles per liter. Per liter.
ठीक है, मोलैरिटी आ जाएगा, छोड़ो इसको, आप एक काम कर सकते हो, बड़ा आयन लिख लेते हैं, सीएससी एसिडिक आयन का कंसेंट्रेशन आपको मिल चुका है सी अल्फा और ये आ जाएगा। उसके बाद मुझे क्या मांगा गया है, डायरेक्टली मुझे इसके बाद पीएच ही मांगा गया है, बट डायरेक्टली पीएच कैसे निकालेंगे हम, आप एक काम कर सकते हो, अगर आपके पास एच प्लस निकालना है तो अलग से एच प्लस निकाल कर रख सकते हो, या फिर क्योंकि सी अल्फा का वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल चुका है, सी अल्फा का मिल चुका है, तो सीधा आप क्या करोगे, माइनस प्लस तक निकालना जरूरी है, क्या है मैम दो डेसिमल प्लेस तक, ठीक है ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिखा निकालना है तो निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, अब पीछे 9.33 दे रखा है, 9.33 9.33 बोल रहे हो, यस मैम, ठीक है 9.33 और ना माइनस 4 मोलैरिटी आ गया, अच्छा अच्छा अब हम पीएच निकालेंगे, पीएच है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ सी अल्फा, माइनस लॉग ऑफ सी अल्फा, तो हम पीएच सीधा निकालते हैं, कैसे निकलेगा, माइनस लॉग ऑफ सी अल्फा, माइनस लॉग ऑफ सी अल्फा, सी अल्फा देखिए ऑलरेडी सी अल्फा निकाल चुकी हूँ, तो सी अल्फा के बदले में क्या डालूंगी, पूरा ये वैल्यू डाल देती हूँ, 9.33 × 10⁻⁴, तो कितना आ गया पीएच आपका ये आ जाएगा, कितना देख लो 3.03 यहाँ जाएगा, 3. समथिंग आ रहा है ये, यस मैम 3.03 हाँ 3 आ जाएगा लगभग, क्योंकि ये 10 के आसपास है ना, 10 के आसपास है, तो log 10 तो वैसे भी 1 हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 4 - 1 का मतलब है लगभग 3 आ जाना चाहिए, pH जो है आप बोल रहे हो 3.03, चलो ठीक है, बाकी बच्चे थोड़ा मैच करा लो, जाने का आंसर सही जा रहा है, मैं मतलब हम सीधा भी मैम log 10 लिख सकते थे और माइनस कर सकते थे ऐसे, मतलब 3 लिख देता मैं, चलेगा मैं, मैंने मतलब तो पूरा log नहीं, आप क्लास, आप स्टूडेंट हो अभी, मैं टीचर हूँ, मैं उस तरीके से सॉल्व करके ये चेक करना चाहती हूँ कि सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, मैं इसको 3 भी मान सकती हूँ, मेरे लिए चलेगा, आपके लिए अगर आपको स्कूल के एग्जाम दे रहे हो तो आप थोड़ा सा कैसे आप ऐसे लिख सकते हो, 3 पॉइंट जो आएगा एटलीस्ट एक डेसिमल तो बनाना पड़ेगा आपको, सॉल्व करोगे ना पूरा, ये जेई मेंस में कर सकते हो लगभग, आपको अगर मैच कराना है तो 4 ऑप्शन अगर आपको मिला हुआ है, एक पॉइंट समथिंग, एक 4 पॉइंट समथिंग, एक 5 पॉइंट, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ऑल क्लियर, आज थारे थोड़ा सा मुझे लग रहे हो, लग रहा है अलर्ट नहीं हो, हेम सबरी, आयुष, आयुष आयुष हाँ क्या हुआ, पार्टी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं, हाँ चलो चलो ठीक है, पार्टी मनाओ, बट जब टेस्ट लूंगी ना तब सही आना चाहिए सारा, ठीक है ओके, so this is my iron, this is my pH, मैंने एक question solve करा दिया है, ये question किसी को इसमें किसी भी तरीके का किसी को doubt है तो पूछो, फिर हम next question में चलेंगे, no ma'am, किसी को doubt नहीं है, आगे बढ़े फिर next question में चले, ऐसा question फिर और करेंगे हम, क्योंकि equilibrium तो मैं बिल्कुल हड़बड़ी करना equilibrium में ठीक नहीं है, आपने कहा था homework डालोगे, That means प्राची थोड़ा जल्दी में है, नहीं मैम मैं वैसे पूछ, मैम आपने कल कहा था आप होमवर्क डालोगे, आपने डाला नहीं, कल मैंने इसलिए नहीं, कल मैंने इसलिए नहीं डाला, क्योंकि अगर आपको ये सब ऐसे ये कैसे करते आप, ये होमवर्क मान लो मैं डाल देती हूँ इस क्वेश्चन को, तो आपको समझ में नहीं आता मैं कैसे प्रोसीड करूंगी, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने सोचा एक दो क्वेश्चन करा दूं, फिर होमवर्क डालूंगी तो अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 7.47 कर दो, उसके बाद मैं छुट्टी करूंगी, ठीक है, बाकी सारे होमवर्क है, ठीक है मैम, हाँ खुश पूरा नहीं, हाँ क्या हुआ, करना छुट्टी करोगे तब अर्पित की आवाज आई, अरे हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, बिल्कुल सही बात बताया, पकड़ा है प्राची ने, सही पकड़ी वो एक सीरियल है ना, सही पकड़ा है, क्या है एक सीरियल है, एक रुको रुको, सही पकड़े बोलते हैं,
हाँ, भाभी जी घर पर है, उसमें बोलते हैं सही पकड़े हैं। अच्छा yes, ये वैसे कौन सा स्टेट का लैंग्वेज है सही पकड़े हैं? बता नहीं मैम, यूपी का है। यूपी का होगा, यूपी। हाँ उसको तो यूपी का बोलते हैं। क्या है ये? तो हिंदी है। नहीं हिंदी तो है, मुझे भी पता है, बट कहाँ पे फ्रिक्वेंटली यूज करी जाती है ये सेंटेंस। तो 7.47 करो, छुट्टी करें। तो 7.47 मैं रीड आउट कर लेती हूँ, आप लोग एक बार सुन लो और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। It has been found that the pH of a 0.01 molar solution of an organic acid is 4.15. Calculate the concentration of the anion, the ionization constant of the acid and its pKa. अच्छा ठीक है, तो आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब मुझे pH मिला हुआ है और मुझे ऑर्गेनिक एसिड का ये आपको मिला है, क्या मिला है, कंसेंट्रेशन मिला हुआ है आपको, सी मिला हुआ है, पीएच मिला है, और साथ में आपको आयनाइजेशन कांस्टेंट मांगा गया है, कंसेंट्रेशन ऑफ एनायन मांगा गया है, और साथ में पीकेए भी मांगा गया है। सो प्लीज प्रोसीड। सोचो क्वेश्चन को, क्या क्या मैं कैसे सॉल्व इसे करना चाहूंगी एक बार देखो, फिर मैं आपको अभी बताती हूँ इसका आंसर कैसे सॉल्व। यस यस हो गया। थोड़ा सा रह गया मैम। हाँ कर लो कर लो, तब तक हम इसे रख। अच्छा यही है क्वेश्चन, तो यही है, इसी को हम क्या उसको आपको ऑलरेडी मैंने लिखवा दिया है, और क्या करेंगे सारे डाटा वगैरह चेंज करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक एसिड अगर बोला जाएगा तो आपको सिंपल मोनोबेसिक लेना है, मोनोबेसिक एसिड में आप इसी को इसी के तरीके का डिसोसिएशन चलेगा यहाँ पे, जैसे ये एसिटिक एसिड को डिसोसिएट करा है मैंने ना, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड लोगे सॉरी तो ये एनायन और कैटायन में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड नहीं लिया है, तो कोई भी ऑर्गेनिक एसिड है, तो ये पे एनी ऑर्गेनिक एसिड, अगर आपको कोई भी ऑर्गेनिक एसिड दिया जाता है एनी ऑर्गेनिक एसिड, यू कैन टेक लाइक दिस, यू कैन टेक लाइक दिस, ये तो मैंने आपको इसके लिए करा है, इसके बदले आपको बोला जाएगा कि ऑर्गेनिक एसिड यू कैन टेक लाइक दिस, मतलब ये आर जो है ना ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी, दिस इज ऑर्गेनिक एसिड RCOOH, बस इसको आपको डिसोसिएट करना है। ये दे देगा RCOO minus plus H3O plus, you can take H plus also आप ले सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप H plus ले सकते हो, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन को डिसोसिएट कर दिया है, ऑर्गेनिक एसिड दिया गया है, RCOO minus दिया गया है, H3O plus मुझे यहाँ पे मिला हुआ है। अब वही होता है, अगर ये C होता है तो ये 0-0 हो जाएगा, ये C alpha, ये C alpha होगा तो ये C into 1 minus alpha हो जाएगा, this is the right। उसके बाद मुझे मिला क्या हुआ है, मुझे डाटा जो गिवन है वो बताओ, यहाँ पे मुझे क्या क्या मिला हुआ है, कंसंट्रेशन मिला हुआ है बच्चे, H plus गिवन, आपको पीएच गिवन है, पीएच देखो क्वेश्चन पढ़ो, पीएच गिवन है ना, 4 पॉइंट या आपका 7.47 करा रही हूँ क्वेश्चन,
7.47 एनसीईआरटी के ही है सारे, ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस है मैम, गलत आ रहा है। नहीं नहीं रुको ना, 7.47 का मुझे बताओ क्वेश्चन, कोई एक बच्चा मुझे बताओ सी कितना मिला है। 0.01 यस 0.01 मोलैरिटी सी मिला है। अच्छा मुझे देखो क्वेश्चन में पीएच भी मिला हुआ है, देख लो 4.15 मिला हुआ देख लो है ना। Yes, अच्छा अब मुझे क्या क्या मांगा गया है, एनआईएन का कंसेंट्रेशन मांगा गया है, देख लो क्वेश्चन पढ़ो, एनआईएन का कंसेंट्रेशन मांगा गया है, am I right? Yes, ma'am. अच्छा साथ में मुझे और कुछ मांगा गया है, एक एक मिनट आयनाइजेशन कांस्टेंट मांगा गया है, के मांगा गया है ठीक है, के मुझे मांगा गया आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड मांगा गया है, और साथ में मुझे मांगा गया है पी के ए भी मांगा गया है, ये गिवन है दिस मच ओनली, और साथ में मुझे तीन चीजें मांगी गई है, तो सॉल्व कैसे करते हैं, सी तो डायरेक्टली मुझे गिवन है मिल चुका है मुझे। अच्छा तो इसके लिए मुझे क्या करना है, अलाइन के मुझे सी अल्फा निकालना है, तो सबसे पहले तो मुझे अल्फा निकालना ही पड़ेगा, अल्फा कैसे निकालेंगे, पीएच मिला है 4.15 मुझे मिला हुआ है। अच्छा ठीक है अगर मुझे पीएच मिला हुआ है तो पीएच मुझे गिवन है 4.15, तो पीएच से मैं एच प्लस का कंसेंट्रेशन निकाल सकती हूँ, पीएच मुझे अगर पीएच मिला है yes, तो मैं कंसेंट्रेशन निकाल सकती हूँ सी अल्फा, मुझे बताओ कैसे निकालेंगे, एंटीलॉग माइनस 7.08 इनटू 10 टू द पावर माइनस एंटीलॉग माइनस पीएच, सो एंटीलॉग माइनस पीएच के बदले माइनस 4.15 ये हो जाएगा आपका एंटीलॉग ऑफ 0.85 इनटू 10 टू द पावर माइनस 5 कर देना इसको, मैंने बताया था एंटीलॉग के लिए -4 को 10 से पर -5 कर देना, -4 है ना डेसिमल से पहले -4 को एक बढ़ा डिसोसिएट हुआ है, और एंटीलॉग जो है एंटीलॉग मैं आपको एच प्लस का कंसंट्रेशन निकालूं, एंटीलॉग ऑफ 0.15 को 0.15 को जो बच्चा है उसको 1 से माइनस करके 0.85 निकाल देना है, कितना बन रहा है मुझे बताना, 7.08 ये 1.08 बन रहा है ठीक है, 7.08 एंटीलॉग ऑफ 0.85 कितना हुआ, यही हुआ 7.08 इनटू 10 पर माइनस 5 क्लियर है, 7.08 इनटू 10 पर माइनस 5 ठीक है, ये मेरा एच प्लस आ गया है। हाँ यस, अब इसमें अल्फा बहुत छोटा है तो मैम जो कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 वही नीचे लूंगा ना जो रिएक्टेंट में लेना है, कहां पे लेना है मैम, अब के निकालेंगे ना, हां ये हां बहुत छोटा आएगा अल्फा, यहां पे अल्फा आप निकाल सकते हो चेक कर लो, सबसे पहले काम करते हैं धीरे धीरे प्रोसीड करते हैं, पीएच से मैंने एच प्लस निकाल दिया, अब एच प्लस है क्या की पीएच से आप चाहो तो एचसीओ प्लस, बात तो वही है ना, अब मुझे अगर एच प्लस मिल चुका है आप एक काम करना, अगर आपको वहां पे दिक्कत हो रही है ना तो आप इसको H+ बना देना, ये हो सकता है आपको वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करे, ये H+ बना देना आप इसको, मैंने यहाँ पे HCO+ लिखा था, HCO+ होता है यूजुअली, आप इसको H+ भी लिख सकते हो क्योंकि जब ये डिसोसिएट करेगा माइनस और H+ में डिसोसिएट हो जाएगा, इससे साथ ही पता भी आपको चलेगा कि हाँ इसने एक H दिया है, तो H+ कितना हो गया सी अल्फा है, कंसेंट्रेशन सी अल्फा है, तो सी अल्फा भी आ चुका है ये ठीक है, सो H plus का concentration is equal to 7.08 into 10 to the power minus 5. So C alpha is equal to, because H plus concentration C alpha होता है. तो C alpha मुझे मिल गया है 7.08 into 10 to the power minus 5. Alpha क्या हो जाएगा? 7.08 into 10 to the power minus 5 by C. C मुझे यहाँ पे मिला हुआ है 0.01. सीधा value डालो C का 0.01 और आप alpha निकाल दो.
बहुत छोटा आ रहा है क्या ये? अच्छा एक मिनट, मैं समझ गई, माइनस थ्री हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फिर भी काफी छोटा है अल्फा, टेन टू द पावर माइनस थ्री में चला गया है, ठीक है। अच्छा अब मुझे क्या मिला है, मुझे अल्फा भी मिल चुका है, तो आप मुझे बताओ कैसे निकालेंगे सी अल्फा, तो डायरेक्टली आपको सी अल्फा भी मिल चुका है यहाँ पे, आप लिख सकते हो। अब हम चलते हैं, अल्फा की वैसे जरूरत नहीं थी, हम यहाँ से सॉल्व कर सकते चीजों को, ठीक है, बट अल्फा मुझे यहाँ पे मिल गया है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या क्या डाटा मुझे मांगा गया था। आर सी ओ माइनस एन आयन क्या होता है, आर सी ओ माइनस क्या है, नहीं आ रहा आंसर मेरा के ए का, एक मिनट एक मिनट, आर सी ओ माइनस कितना आ गया, इसके बदले मुझे क्या निकालना है, आर सी ओ, अगर मुझे बोलेंगे एनायन का कंसंट्रेशन निकालो तो मैं क्या निकालूंगी, क्या हुआ आज थोड़ा मुझे, एक बार क्वेश्चन मैम, क्वेश्चन मैं क्वेश्चन कर रहा था, एक बार रिपीट करना आप क्या बोल रहे हो। मैं ये बोल रही हूँ कि एनायन का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, हेमसबरी कहाँ है, हेमसबरी सी अल्फा मैम, सी अल्फा कहाँ है, बच्चे कहाँ है, यहीं पे है, ये सब ऊपर है, क्लास में है मैम, हाँ क्लास में तो है, कहाँ है हेमसबरी, कहाँ है मैम, हेमसबरी मेरे को लगता है नहीं क्लास में, क्योंकि मैंने उसको मैसेज किया था ना कि भेज दे फोटो, तो वो रिप्लाई नहीं कर रहा था, हेमसबरी है। अच्छा हेमसबरी तुम्हारा माइक ऑन करना, हेमसबरी माइक ऑन करो, कनेक्शन वी के होते हैं मैम, उसके वॉइस ब्रेक होगी, उसका तो नहीं आ रहा है, आ गया आ गया आ गया, देखो डाउट अगर क्लियर है, डाउट अगर नहीं अभी हो नहीं पा रहा क्वेश्चन तो इमीडिएटली अभी पूछ लो आप, ठीक है। तो दिस इज माय सी अल्फा, एनायन का कंसंट्रेशन सी अल्फा होता है, सी अल्फा सीधा वैल्यू डालो 0. आप यहां से सी अल्फा कलेक्ट करके भी लिख सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो 0.01 इंटू अल्फा मेरा बन जाएगा, अल्फा मैंने निकाल दिया है माइनस थ्री, सॉल्व करो इसका निकाल दो, एनायन मेरा बन चुका है, के मुझे निकालना है, सिंपली मैं के कैसे निकालती हूँ, रूट अब क्या निकालते हो, के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया है याद करो, सी अल्फा स्क्वायर, सी अल्फा स्क्वायर मैम, मगर नहीं आ रहा मैम इससे, मतलब मैंने इससे नहीं किया, मैंने पॉइंट वाले से किया था, तो नहीं आ रहा है, 0.01 आ गया, अल्फा का वैल्यू आप डालो, या फिर आप सी अल्फा तो आपको ऑलरेडी मिला हुआ है, इनटू अल्फा करके भी कर सकते हो, सी अल्फा तो आपको मिल गया है ना ऑलरेडी, सी अल्फा को मिला हुआ है, इनटू अल्फा करो, अल्फा आपने निकाल दिया है, सॉल्व करो, अल्फा के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, सी मैंने लिख दिया है यहाँ पे, अल्फा क्या है, अल्फा इज दिस 7.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर। अगर देखो जैनी, अगर तुमने मुझे यहां से सारे कुछ बताया है, अगर यहां से गलती होगी तो आंसर नहीं आएगा, तो हमें ये चेक करना है कि ये डाटा सही है कि नहीं जो तुमने मुझे सॉल्व करके बताया था, ये तो सही है मैम, हाँ ये चेक करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे गलती होगी तो फिर पूरा गलत जाएगा ना मैम, अगर आपके वाले इस वाले तरीके से आप निकालो मैम आंसर निकल जाएगा, तो मैम मेरे वाले तरीके से क्यों निकल रहा हूँ, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट से, क्या प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर रहे हो तुम, कौन सा वाला, ये वाला के ए सीधा निकाल दिया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट से मैम, आना चाहिए आंसर, हाँ तो आना चाहिए, तुमने कौन सा फॉर्मूला डाला मुझे बताओ ना के लिए, मैम सीधा मैम एच थ्री वो मैम मैम जनरल इक्वेशन एच ए प्लस एच टू इक्वल एच थ्री ओ प्लस प्लस ए माइनस देता हूँ मैम, तो एच थ्री ओ प्लस इनटू ए माइनस अपॉन एच ए किया, तो मैम उससे नहीं आ रहा आंसर, नहीं नहीं आ रहा, मतलब तुम जो बोल रहे हो मैं आपको सीधा एक फॉर्मूला दे रही हूँ, के इज इक्वल टू यहाँ पे डालना है फॉर्मूला सी अल्फा स्क्वायर डालो ना, आप किसी भी तरीके से करो पहुंचना तो यहीं पे है सी अल्फा स्क्वायर में, तुमने तरीका वही डाला है, प्रोडक्ट वाई रिएक्टेंट करा होगा तुमने, यही करा ना, यस मैम, तो बस प्रोडक्ट सी अल्फा इनटू सी अल्फा, सी अल्फा
सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई सी इंटू वन माइनस अल्फा, यही तो अभी सॉल्व कराया था मैंने इससे पीछे, बस उसके बाद सी सी कट जाएगा, वन माइनस अल्फा को आप नेग्लेक्ट कर देना, बात तो वही है, फाइनली तो यहीं पे पहुंचना है, सी अल्फा स्क्वायर में पहुंचना है। नहीं आ रहा मैम आंसर, ये इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, आ रहा है कि नहीं चेक करो, अगर नहीं आ रहा है मतलब यहीं पे कहीं पे डाउट होगा, यहीं पे कहीं पे गलती होगी, क्यों नहीं आएगा, आएगा क्यों नहीं। आस्था, आस्था प्रेजेंट है? यस मैम। हाँ सॉल्व करो आस्था, सॉल्व करो इसे, बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है, पहले तो तुम ये सॉल्व करो, पहले तुम ये सॉल्व करो एच प्लस का कंसंट्रेशन कितना आ रहा है सॉल्व करो, ये डाटा जो मुझे जेने ने अभी सॉल्व करके दिया है ये सही है, ये सही है मैम, मैंने चेक कर लिया है पीछे से। यस मैम मेरा भी यही है। अच्छा मैम आंसर है 5.08। ये वाला मैम कौन, ये वाला k = c α² सॉल्व करो ना। हां हां मैम, हां मैम एक मिनट, 0.01 × 7.08 × 10⁻³ का स्क्वायर लेना है आपको मैम, -8 होगा वो, 10⁻⁸। कौन सा वाला बोल रही हो तुम मैम, 7.08 × 10⁻⁸ होगा वो, ऐसा नहीं हो सकता मैम, ये वाला नहीं नहीं मैम, के ए के पे वैल्यू लिख 7.08 × 10⁻⁶ हो जाएगा, ये आंसर है क्या, चेक करोगे ना आप एनसीईआरटी के पीछे, चेक करो ना जहाँ पे आंसर है, वैल्यू तो 5.08 आ रही है, देखा नहीं, नहीं कैलकुलेशन नहीं है सही, बिल्कुल भी नहीं है, आपको मिल गया पीएच, पीएच से आपने निकाला एच प्लस का कंसंट्रेशन निकाला, ये आपको मिल गया है एंटीलॉग ऑफ दिस, जस्ट वेट एंटीलॉग ऑफ -4.15 मिल गया है, आप इसको जब सॉल्व करोगे एंटीलॉग ऑफ 0.85 × 10⁻⁵, सिंपल आपको एंटीलॉग ऑफ 0.85 करना है, मैं चेक कर रही हूं, इसका स्क्वायर तो किया ही नहीं, हां उसका स्क्वायर भी तो करना है, इसका स्क्वायर नहीं करा आपने, 7.08 का स्क्वायर, एंटायर का स्क्वायर है ना, पूरे का 5. देखो जो तुम अर्पित बोल रहे हो मैं लिखवा रही हूँ, 5.08 बोलो अर्पित, यस मैम -7 -7 यस मैम, मैम बट वो स्क्वायर करने से ना 5.01264 आ रहा है, कोई बात नहीं, ये वाला ना, हाँ बट मैम बहुत फर्क आ रहा है मैम, 8 की जगह पे मैम 1 दिखा रहा है, नहीं नहीं 7.08 का स्क्वायर कितना आ रहा है मुझे बताओ मैम, 50.12 7 आ रहा है कि नहीं आंसर चेक करो, यस मैम आप पीछे चेक करो अर्पित आंसर चेक करो, छोटा सा प्रॉब्लम है बेटा, कुछ नहीं है सॉल्व करना है आपको, निकालना है मेरा 50.12 × 10⁻⁷ आ रहा है, नहीं गलत है जेने, तुम्हारा तो कैलकुलेशन पूरा गलत जा रहा है बेटा, जेने मैम कैसे हो रहा है, हाँ हाँ कैलकुलेशन तुम्हारा थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ जेने, कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ, मैं तभी तुमको मैंने कहा था ना थोड़ा सा मैथ्स वीक जा रहा है स्लाइटली कैलकुलेशन, नहीं चेक उसका कुछ डाउट है जाने का, सिंपल कैलकुलेशन है, आप अगर ये कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे ये सिंपल कैलकुलेशन, मैं जाने को खाली नहीं बोल रही हूँ, मैं सारे बच्चों को बोल रही हूँ फटाफट क्लास में मतलब इतना अटेंडिंग होना चाहिए, क्वेश्चन ले गया आंसर आ गया, यस मैम दिस इज द आंसर, हाँ
आंसर नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है। मैम इससे पहले तो बता ही रहा था। हाँ नहीं मैं समझ गई, बट तुम कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक जा रहा है ना जेने, इसको एक बार सॉल्व करो घर में, तुम्हारा आ जाएगा ये आंसर। और या फिर ये भी हो सकता है कि आज थोड़ा पार्टी सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन डे है, तो अटेंटिव थोड़ा क्लास में आज बच्चे नहीं है, है ना, ये भी हो सकता है एक रीजन। तो जाओ एक काम करते हैं, आपको मैंने दो क्वेश्चन करवा दिए हैं कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, बट अभी ये भी बता रही हूँ दिस इज नॉट एनफ फॉर यू, फिर भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत आएगी 100%। एक दो क्वेश्चन में कोई बच्चा परफेक्ट नहीं होता है, फिर क्वेश्चन पकड़ोगे फिर दिक्कत आएगी आपको। एंड आई कैन 100% गारंटी मैं दे सकती हूँ अभी कि आप आगे आपको फिर दिक्कत आएगी। तो आराम से घर में बैठो, इवनिंग सेलिब्रेशन करना है अभी, आराम से थोड़ा खाना पीना करके उसके बाद थोड़े एक दो घंटा किसी को ही प्रैक्टिस कर लो कि अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट आपको डाटा गिवन होते हैं तो सॉल्व कैसे करोगे आप, मेरे को तो अभी भी दिक्कत आ रही है इसमें। हाँ हाँ इसमें देखो जेने, तुम्हारा प्रॉब्लम मुझे समझ में आ गया है, तुम्हारा प्रॉब्लम कैलकुलेशन में है, बाकी तुम बहुत अच्छे से करते हो पर तुम्हारा प्रॉब्लम कैलकुलेशन में आता है। तो कैलकुलेशन के लिए तुमको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाना पड़ेगा और घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? ओके सो गो सेलिब्रेट, ठीक है? तो छुट्टी करते हैं फिर। ओके मैम, हैप्पी न्यू ईयर मैम। आप लोग सेलिब्रेट करो और मेरा काम क्या है पता है, अभी आपको मैं इसके और भी क्वेश्चंस अपलोड करूंगी, ठीक है? आप लोग खूब सेलिब्रेट करो और साथ में इसके अगर टाइम निकालना है आपको, ओके मैम, ठीक है? हां मिलते हैं फिर कल। हां कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, मैं कल आपको बताऊंगी कल सेम टाइम में सुबह 10 बजे। सारे बच्चे अगर एग्रीड होंगे तब ले पाऊंगी मैं, एक बार पूछना। यस मैम छुट्टी है कल। हां 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 हो सकता है मॉर्निंग आवर ले लो, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम ठीक है, ठीक है, मुझे पता है आज आपका मन थोड़ा कहीं और है, ये मुझे पता है अच्छे से। ठीक है ठीक, ओके।